सागर मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। सागर को बेरहमी से पीटते हुए तस्वीर आई सामने। देखते हैं कौन कौन शामिल है। वीडियो लास्ट तक देखते रहना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों हमारे न्यू व्लॉग चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज सब्सक्राइब करें। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुई सागर धनखड़ हत्या मामले में कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो घटना वाले दिन की हैं। इस तस्वीर में सुशील कुमार अपने साथियों के साथ सागर को उसके दोस्तों व डंडे से बेरहमी से पीटता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वारदात की छत्रसाल स्टेडियम की CCTV फुटेज में सुशील 20-25 पहलवानों और असोदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर धनखड़ हत्या यानी कि सागर को 2 अन्य लोगों को पीटता दिखाई दे रहा है। सभी लोग सागर को लात घूंसों डंडों बैट व हॉकी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में सुशील सागर व 2 अन्य पीड़ितों पर हॉकी चलाता भी दिखाई दे रहा है। सभी पहलवान और बदमाश स्टेडियम के CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं ओलंपिक सुशील कुमार को लेकर एक और नया बड़ा खुलासा हुआ है। ओलंपिक सुशील कुमार की दिल्ली NCR समेत हरियाणा UP के 1-2 गैंगस्टरों से नहीं बल्कि सभी गैंगस्टरों से पहचान थी, जानकारी थी। स्टेडियम के कैमरे के अंदर सुशील कुमार 20-25 पहलवानों और असोदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर धनखड़ को 2 अन्य को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको बताया। वहीं ओलंपिक सुशील कुमार को लेकर एक और नया बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली NCR समेत हरियाणा व UP गैंगस्टर से नहीं बल्कि सभी गैंगस्टरों से साठगांठ थी। उसके सभी गैंगस्टर से अच्छे संबंध हैं। वह सबसे ज़्यादा गैंगस्टर काला जठेड़ी व नवीन बाली की नज़दीक बना रहा है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी सूत्र के खुलासा किया है कि सुशील काला जठेड़ी के शराब के कारोबार में स्थापित करने में उसकी मदद करता था। दिल्ली पुलिस की एक यूनिट के अफसर ने दावा किया है कि उसके पास दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। दूसरी तरफ अपनी फरारी के दौरान सुशील ने काला जठेड़ी से समझौता कर लिया है। कुछ गैंगस्टर की मदद से सुशील का काला जठेड़ी से समझौता हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जेल में बंद नवीन वाली सुशील के काफ़ी नज़दीक रहा है। नवीन नीरज बवाना के काफ़ी नज़दीक है। काला असोदा से सुशील के संबंध में आ चुके छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या की मामले में काला असोदा गिरोह के सदस्यों के साथ दिया था। रोहिणी पुलिस ने बुधवार को असोदा गिरोह के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया था। काला असोदा के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद इस गिरोह को नीरज बवानिया ही चला रहा है। काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई समेत करीब 6 गिरोह ने इस समय आपस में गठजोड़ कर लिया है। काला जठेड़ी की वजह से ही सुशील की इन गिरोह में अच्छी पहचान बन गई थी। और जितने भी गैंगस्टर दिल्ली पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में हैं उन सभी से सुशील कुमार की अच्छी पहचान बन चुकी थी। और बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान जैसे ही काला जठेड़ी से संपर्क किया है वैसे ही पुलिस के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि सोनू महल सुशील के खिलाफ बयान देगा या नहीं, क्योंकि यह भी उसी गिरोह का सदस्य रहा है। और आगे अब देखते हैं क्या कुछ मामला सामने निकल कर आता है। और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि पहलवान सुशील कुमार की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं सागर मर्डर मामले की, यानी कि सागर को पीटते हुए सुशील कुमार की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है हम देखेंगे, और जैसे ही कुछ कार्रवाई होगी वीडियो बना के आपको देंगे। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इस मर्डर मामले में। और दोस्तों हमारे न्यू व्लॉग चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब जरूर करें।